पापा आज मैं इतनी सारी शॉपिंग और न्यू कपड़े लेके बहुत खुश हूँ। आप मेरे को और शॉपिंग कराओगे ना? ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, हम तो और भी शॉपिंग करेंगे। सच्ची पापा? हाँ हाँ बेटा, दिवाली पे तो हम इससे भी ज्यादा शॉपिंग करेंगे, कपड़े, मिठाइयाँ, फटाके और भी बहुत कुछ। सच्ची पापा? हाँ, अब तुझे आइसक्रीम भी खानी है ना? हाँ पापा, चलो चलो। मुझे भी नए कपड़े चाहिए। पापा आज मैं इतनी सारी शॉपिंग और न्यू कपड़े लेके बहुत खुश हूँ। आप मेरे को और शॉपिंग कराओगे ना? अरे गुड़िया बेटा, आ गई तू? अरे गुड़िया बेटा, क्या हुआ? हाँ माँ, मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ और तेरा ध्यान ही नहीं है, क्या हुआ बता? माँ, सबके मम्मी पापा उन्हें कभी भी नए कपड़े दिला देते, चॉकलेट दिलाते, उन्हें घुमाने ले जाते, आइसक्रीम भी खिलाते, पर हम तो सिर्फ दिवाली का इंतजार करते हैं। और दिवाली पे भी पक्का नहीं होता कि हम नए कपड़े लेंगे या नहीं। अरे पर तू ऐसा क्यों बोल रही है? तेरे लिए भी दिवाली पर नए कपड़े लेंगे बेटा। हाँ माँ, मुझे भी दिवाली पर नए कपड़े चाहिए, वो भी दो जोड़ी। हाँ बेटा, पक्का तेरे लिए दिवाली पर बहुत अच्छे कपड़े लेंगे। अब तू मुझे काम पर निकलने दे, वरना बातों बातों में मुझे देरी हो जाएगी। पर माँ, मुझे भी आपके साथ चलना है। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? नहीं माँ, मैं तो आऊंगी आपके साथ। अच्छा ठीक है, चल। ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है। अरे आ गए तुम दोनों। और सुमित्रा, तुम्हें आने में लेट क्यों हुआ? अरे मेम साहब वो। अरे आंटी, आज ऑटो जल्दी नहीं मिला ना, इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाओ। चल बेटा। सुमित्रा आंटी, आगे से लेट मत आना, समझे? चल बेटा। माँ मुझे भी नए कपड़े चाहिए, कब दिलाओगे आप? गुड़िया तू कितनी बार कह चुकी है नए कपड़ों के लिए। मैंने बोला ना कि तेरे लिए भी ले आएंगे नए कपड़े, और वैसे भी दिवाली अभी कितनी दूर है। पर माँ। बेटा तू बैठ जा, मुझे काम करने दे, बहुत सारा काम पड़ा है मेरा। ओह तो मैडम को नए कपड़े चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मुझे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने ही पड़ेंगे। हाँ गुड़िया, तू फ्री है क्या? क्या हुआ बेटा? अरे मेरे कुछ कपड़े जमाने हैं, तो आप दोनों जमा दोगे क्या? हाँ हाँ बेटा, हम जमा देंगे। अच्छा ठीक है, आओ। चल बेटा। आंटी मेरे ये सारे कपड़े जमा दो, और गुड़िया तुम्हें जो भी ड्रेस पसंद हो वो तुम ले लेना, ठीक है? पर दीदी ये कपड़े तो आपके हैं ना। हाँ तो क्या हुआ, तू तो मेरी बहन जैसी तो है, वैसे भी मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए तुझे जो भी चाहिए वो तू ले लेना, ठीक है? अब तू देख। मम्मा। हाँ बेटा। मम्मा जल्दी मेरे साथ आओ ना। क्या हुआ बेटा? मम्मा चलो चलो। अरे क्या हुआ बेटा? मम्मा देखो आंटी और गुड़िया किस तरह मेरे कपड़े निकाल कर देख रही हैं। गुड़िया तो मेरे कपड़े ले भी रही है, देखो मम्मा किस तरह चोरी कर रही है। सुमित्रा ये क्या कर रही हो तुम दोनों? वो हम तो ये कपड़े बिना पूछे अपने झोले में कपड़े भर रहे हैं मम्मा। नहीं नहीं, हम तो बस ये कपड़े जमा रहे थे। बस सुमित्रा, दिख रहा है कि तुम दोनों क्या कर रही थी, इस तरह बिना पूछे हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? मेम साहब आप हमें गलत समझ रहे हो। मैं ये सब अपनी आंखों से देख रही हूँ, और तुम कह रही हो कि मैं गलत समझ रही हूँ। माफ करिए मेम साहब, गलती हो गई।
माँ मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए। रिद्धि दीदी ने कितना झूठ बोला, पहले खुद ही हमें कपड़े जमाने के लिए कहा और फिर कह दिया कि हम वो कपड़े बिना पूछे हाथ लगा रहे हैं, उनके कपड़े चोरी कर रहे हैं। माँ आप यहाँ से जल्दी चलो। हाँ बेटा चलते हैं। मेम साहब अब वो सारा काम हो गया। अच्छा ठीक है कल जल्दी आ जाना। अब वो मेम साहब हम कल से काम पर नहीं आएंगे। हाँ सही है, मत आना कल से। तुम कल से काम पर आना सुमित्रा। अरे क्यों मम्मा, जाने दो इन लोगों को, हमें तो वैसे भी इनसे अच्छी काम वाली मिल जाएगी। क्यों रिद्धि बेटा, क्या सुमित्रा आंटी अच्छा काम नहीं करते? करते हैं, पर आपने देखा ना, ये दोनों किस तरह मेरी अलमारी से चोरी कर रही थी, मेरे कपड़े छेड़ रही थी, बस इसलिए कह रही हूँ मम्मा। अब तुम दोनों देख क्या रहे हो, जाना है तो जाओ यहाँ से। अरे रिद्धि बेटा, अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई, वो कपड़े मैंने इन दोनों को जमाने के लिए कहा था। अरे नहीं मम्मा आपने तो। अरे हाँ बेटा मैंने ही कहा था और मैं आपको बताना भूल गई। अब नहीं मम्मा आपने नहीं कहा होगा। अरे बेटा मैंने ही कहा था। अरे मम्मा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कहा तो मैंने था इन दोनों को कपड़े जमाने के लिए, ताकि मैं इन दोनों पर चोरी का इल्जाम लगा सकूं, इसलिए आपने नहीं कहा मम्मा। और कुछ बोलना है? शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए? अरे ये तो अच्छा हुआ मैंने सुमित्रा और गुड़िया की बातें सुन ली, वरना तुम्हारी वजह से मैं भी इन्हें गलत ही समझ रही थी। तुम्हें अगर गुड़िया पसंद नहीं थी तो उससे बात मत करती, लेकिन ऐसी चालाकी करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हें तुम्हारी पसंद की कोई चीज ना दिलाओ तो गुस्सा होकर बैठ जाती हो, पता है ना तुम्हें? फिर दूसरों के साथ ऐसा करने का हक तुम्हें किसने दिया? बिना पूछे अपने झोले में कपड़े भर रहे हैं मम्मा। मुझे भी नए कपड़े चाहिए, कब दिलाओगे आप? मम्मा आई एम सॉरी। बेटा माफी मुझसे नहीं, गुड़िया और सुमित्रा से मांगो। गुड़िया सुमित्रा आंटी आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बेटा आप माफी मत मांगो। हाँ दीदी आप माफी मत मांगो। तो ठीक है एक मिनट रुको। गुड़िया तुम्हें नए कपड़े चाहिए थे ना, तो तुम ये ले लो। लो थैंक यू दीदी।